हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि 3 का संबंध यदि 27 लिखा है तो उसी प्रकार से 4 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे ज्वार भाटा का संबंध समुद्र लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और लिखा हुआ है नदी, तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 16 प्रश्न है दोस्तों जो अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 338 है दोस्तों, जिससे इसने पिछले पार्ट तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इस तरह इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP, टेक्नीशियन, DFCCL, MTS, CHSL, CPO, SSC, GDC, ISAB, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITPP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार SSC, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, UP पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि ज्वार भाटा का संबंध जिस प्रकार से समुद्र लिखा है तो उसी प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, रोक लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए और कॉमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इस पार्ट में से। तो देखिए जिस प्रकार से ज्वार भाटा का संबंध लिखा है दोस्तों, समुद्र यानी ज्वार भाटा हम लोगों का कहां पर आता है तो समुद्र में आता है, तो उसी प्रकार से यहां पर हम लोगों का देखिए यहां पर क्या भरा जाना चाहिए जो नदी हो जाएगा। तो देखिए जैसे लिखा है दोस्तों पनबिजली अंतर प्रवाह, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार से ज्वार भाटा समुद्र में होता है यानी कि आता है, तो उसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर प्रवाह यानी कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर और क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रवाह यानी नदी में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, अंतर प्रवाह का मतलब होता है धारा जो चलता है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बस तरीका को समझना है कि जिस प्रकार से ज्वार भाटा हम लोगों का संबंध दिया है समुद्र, यानी ज्वार भाटा जिस प्रकार से समुद्र में होता है उसी प्रकार से अंतर प्रवाह किस में होता है दोस्तों, नदी में होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा, एक श्रृंखला दिया है तो एक बार ट्राई करके देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 4 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 9 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 20 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 43, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 90, और उसके बाद इस जगह पर लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल क्या करेंगे, ये देखिए कि 4 से यदि 9 पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि 5 जोड़ा है, उसी प्रकार से 9 से 20 पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 11 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से आगे देखिए 20 से यदि हम लोग 43 पे जाएंगे तो ये देखिए क्या क्या जोड़ने लगा, यानी 5 11, तो इस तरीके से हम लोगों का सीरीज यहाँ पर नहीं होगा, अगर इस तरीके से चलेंगे तो नहीं होगा। तो करना क्या दोस्तों, ये देखिए कि यहाँ पर उसने क्या किया कि 4 में गुना क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया है, तो 8 अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 1। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो गुना 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, तो 9 2 18 और 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें गुना 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे, तो 20 2 40 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 43। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों,
हम लोगों के सामने एक दो तीन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा। इस जगह पर प्लस क्या करना है दोस्तों, हम लोगों के सामने चार कर देना है। जैसे ही चार कर देंगे तो देखिए 43 दुना हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 86, और 86 या चार क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला वाला हम क्या करना है दोस्तों, इस जगह जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पर क्या कर देना है, गुना दो कर देना है, अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों, पांच कर देना है। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। यहाँ पर क्या करना है कि गुना दो कर देना है, प्लस क्या कर देना है दोस्तों, पांच कर देना है। जैसे ही गुना दो करेंगे तो 90, गुना दो कर देंगे तो 180, आप पांच जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 185 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका समझना है यहाँ पर क्या क्या और कैसे क्या। अगला प्रश्न की दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर उन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, देखिए तो एक बार ट्राई करके क्या आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो बड़ा नंबर है उसी पर गौर करें। आखिरी जो 49 लिखा इन छोटे नंबर को क्या करके, हो सकता है कि जोड़ के लिखा होगा, हो सकता है गुना कर दिया होगा, या हो सकता है स्क्वायर करके जोड़ा होगा, या क्यूब करके जोड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है, उसी प्रकार से इसमें चलना है, उसी प्रकार से यहाँ पर। तो देखिए हम आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं दोस्तों, उसने क्या क्या, देखिए यहाँ से चला है यहाँ पर, और उसने क्या क्या, देखिए तो उसने कर दिया दोस्तों एक है, प्लस क्या कर दिया दोस्तों चार है, प्लस हम लोगों के सामने क्या है दो है। इसको क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। और यही सात का क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। सात का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 49 होता है। यानी यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब एक है, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, चार कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, दो कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने सात हो जा रहा है। तो ठीक है यहाँ पर कर दीजिए, यानी सात जैसे आया, और यही सात का क्या कर देना दोस्तों, स्क्वायर कर देना। तो सात का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 49 लिखा है। अभी आप समझ जाएंगे, आप घबराएंगे, घबराइए नहीं कि आखिर क्या क्या और कैसे क्या है, चलना क्या है। यहाँ से यहाँ पर सब संख्याओं को जोड़ना है। जैसे ये देखिए चार, प्लस क्या कर देना दोस्तों, दो, उसके बाद प्लस क्या कर देना है दोस्तों, दो। तो जैसे ही जोड़िएगा तो आपका कितना हो रहा है, तो देखिए चार और इधर दो दो चार, यानी आठ हो जाएगा। तो आठ का स्क्वायर कर दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 64 लिखा है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका चल दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क और पांच, और प्लस क्या दोस्तों, हम लोगों का तीन, और इसी का स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने के बाद हम लोगों के सामने कितना आना चाहिए दोस्तों, 169। तो उसने क्या क्या होगा, ये देखिए कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या, 5 3 8 आया, यानी क्वेश्चन मार्क जैसे है दोस्तों, और यहाँ पर 8 आया। तो हम लोगों का यानी 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो यहाँ पर क्या रखना होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे ही आप 5 रख देंगे और 8 कर देंगे, 8 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। यानी 13 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे दोस्तों, देखिए इस जगह पर जैसे ही, यानी 8 इस जगह क्वेश्चन मार्क की जगह डायरेक्ट आप रख दीजिए, इसमें ज्यादा कहानी कथा करना है ही नहीं। यहाँ पर जैसे ही आप 5 रख देंगे दोस्तों, 8 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, 169। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आप सिंपली बोल सकते हैं 5 जैसे ही रख देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर आ जाएगा 169। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप रटिए नहीं किस तरीके की प्रश्न क्या क्या, बल्कि सभ्य संख्या को जोड़ दिया है, यानी जितना संख्या जोड़ दिया उसका स्क्वायर कर दिया है। जैसे चार, उसके बाद एक और दो, देखिए ना इस सब संख्या को आप जोड़िए, 4 2 6 1 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो उसी प्रकार से लिखा है। बेसिक बात आप काहे नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके से आप काहे कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, जल्दी से ट्राई कीजिए, आखिर 3 का संबंध कैसे लिखा है 27, उसी प्रकार से 4 का आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बता दूं, उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहां से देखा जाए कि 3 का संबंध आखिर 27 उसने कैसे लिखा है, तो एक बात आपको सोचना, उसी प्रकार से 4 का संबंध ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही करेगा कि सर 3 से यदि 27 पे जाएंगे तो गुना 9 कर देंगे, तो 9 क्या होता है 27। उसी प्रकार से अगर इसमें 9 से गुना कर देंगे तो 9 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 36। तो क्या कोई ऑप्शन में आपको 36 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो क्या इस तरीके से होगा, नहीं होगा। अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो फिर दूसरा तरीका सोचना, उसने क्या किया दोस्तों,
तीन का यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, उसने क्यूब कर दिया। तीन का क्यूब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का 27 होता है, वही 27 उसने लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, चार का क्यूब कर देना है। जो चार देख रहे हैं इसका क्या कर देना है दोस्तों, क्यूब कर देना। तो चार का क्यूब 64 होता है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यूब का मतलब होता है कि वही संख्या को तीन बार, जैसे कि तीन का क्यूब कैसे आप बोल सकते हैं कि 27 होता है, सर ये बात हम नहीं समझ रहे थे। तो तीन को तीन बार गुना कर देना है, तीन गुना तीन गुना तीन, तीन तीन नौ तीन 27 हुआ कि ना। उसी प्रकार से चार का क्यूब बोल रहा है तो चार को तीन बार गुना करेंगे, चार गुना चार गुना चार, तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए। रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी की अपुत्री के एकमात्र को पढ़ाया, तो रमन ने किसने पढ़ाया। ये देखिए, रमन ने अनंत से कह रहा है, तो कौन कह रहा है दोस्तों, रमन। तो इस जगह पर हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं दोस्तों, कौन हो जाएगा तो रमन हो जाएगा। जो जो कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप चल दीजिए, इसमें घबराना है नहीं। हम लोगों के सामने रमन है तो यहाँ पर लिख दिए रमन, यानी रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी के दीजिए। तो रमन का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए रमन का दादी, यहाँ पर क्या हो जाएगा रमन का दादी। कह रहा है कि रमन के दादी की पुत्री, यानी दादी की क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने पुत्री के एकमात्र भाई। अच्छा, पुत्री यानी दादी के क्या दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा पुत्री हो जाएगा। पुत्री के एकमात्र क्या दोस्तों, यानी भाई, यानी कि यहाँ पर पुत्री का एकमात्र क्या दोस्तों, भाई। तो ठीक है, तो भाई को पढ़ाया, तो रमन ने किसे पढ़ाया, तो सिंपल सा क्लियर हो चुका है दोस्तों, रमन ने किसने पढ़ाया, यानी कौन हो जाएगा दोस्तों रमन का। तो ई यहां से गए थे, तो ई क्या है दादी है, और दादी का पुत्री, अब पुत्री का जो भाई होगा तो रमन का कौन हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं करेंगे कि रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी की पुत्री, तो दादी की जो पुत्री होगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा आपका, बुआ हो जाएगी, और बुआ के एकमात्र भाई यानी वो आपका कौन लगेगा दोस्तों, पिता लग जाएगा। तो रमन ने किसे पढ़ाया, तो अपने पिता को पढ़ाया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जमाना बहुत पलट रहा है इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए। यहाँ कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, एक दो तीन चार आकृति एक्स को पूर्ण करे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स को पूर्ण करा है, एक्स को पूर्ण करा है, यानी कि यहाँ पर जो एक्स देख रहे हैं दोस्तों इसको पूरा करना है। तो कैसे होगा दोस्तों पूर्ण, ये देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोगों का इस तरीके से जाके यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, और इसमें क्या हो जाएगा टच इस तरीके से थोड़ा सा करेगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों टच हो जाएगा। उसी प्रकार से एक यहाँ फिर आ जाएगा, और इसी के अंदर में देखिए इस तरीके से होने के बाद भी हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, यानी कि यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से होने के बाद और एक अंदर में कैसा आकृति बनेगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के सामने इस तरीके से होगा। यानी बेसिक बात बता देते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से आएगा दोस्तों, और इस जगह पर इस तरीके से हम लोगों का होगा। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही होना चाहिए दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का, यानी कि देखिए यहाँ पर जो सिंपली अगर इस तरीके से करेंगे दोस्तों, ये देखिए ये वाला आकृति हम लोगों का क्या हो जाएगा कि ऐसे होने के बाद अब जो दूसरा आकृति होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, और उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और इसी में इस तरीके से होगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर देखिए एक कभी नहीं हो सकता है, दूसरा कभी नहीं हो सकता है, तीसरा में यहाँ पर देखिए टच यहाँ से यहाँ पर जाना चाहिए था रेखा, वो तो गया ही नहीं, तो इसको तो आप ऐसे ही काट देंगे। तो चार वाला आकृति हम लोगों का सही होगा दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने चार वाला होगा। तो चार वाला को कोई सा ऑप्शन में रखा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। बस तरीका समझिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फोर आकृति वहां पर रख देने के बाद पूर्ण आकृति बन जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे, इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए कह रहे श्रृंखला को पूरा करा। अब देखिए वहां पर अलग श्रृंखला था, यहाँ पर देखिए ए जेड वाई ई एक्स डब्ल्यू इस तरीके से दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखिए इस तरीके की श्रृंखला को कैसे करेंगे दोस्तों, वो भी बात आपको बता देना चाहते हैं। करना कुछ नहीं, जो श्रृंखला दिया उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे हम लोगों के सामने देखिए ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा दोस्तों जेड, और क्या लिखा है वाई लिखा है।
उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई, उसके बाद एक्स और डब्ल्यू, उसी प्रकार से आई है दोस्तों हम लोगों के सामने आई भी, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने यू, और यहाँ पर है दोस्तों आगे हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या आएगा वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं करना क्या है कि ए से यदि आप जाएंगे दोस्तों ई पर, तो आपको देखिए कितना लेटर जोड़ा है, तो पांच लेटर यहाँ पर, हाँ तो प्लस क्या क्या है दोस्तों चार, पांच नहीं बल्कि ई, देखिए ई के बाद हम लोगों का यानी ए के बाद बी सी डी ई, तो चार लेटर। उसी प्रकार से ई से यदि आई पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ भी उसने प्लस चार लेटर किया, और आई में उसी प्रकार से आगे क्या कर देंगे दोस्तों प्लस चार लेटर कर देंगे, तो आई में जैसे आई के बाद जे के एल एम, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने एम आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे और लेटर में चेक कर लीजिए दोस्तों, इधर जेड से यदि आप एक्स पे आ रहे हैं तो क्या किया दोस्तों, यानी दो लेटर उसने घटा दिया। उसी प्रकार से इधर एक्स से यदि आप भी पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी दो लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से भी में क्या कर देंगे दोस्तों, दो लेटर जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, तो टी हो जाएगा, यानी कि एम और क्या आ जाएगा दोस्तों टी आ जाएगा। तो और आगे चेक कर लीजिए दोस्तों एक लेटर, इधर वाई से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों डब्ल्यू पे, तो उसने देखिए वाई से डब्ल्यू पे आ रहे हैं, तो एक लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स और डब्ल्यू, यहाँ पे उसने क्या किया दोस्तों दो लेटर उसने घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए डब्ल्यू से यदि हम लोग आ रहे हैं दोस्तों यू पे, तो यू पे तो यहाँ पे दो लेटर घटा दिया, और यू में जैसे ही आप दो लेटर घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एस हो जाएगा। तो एम टी एस, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, इधर आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी संकेतिक भाषा में, इधर यानी किसी कूट दिया गया दोस्तों, यानी कोडिंग डिकोडिंग से दिया, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तरीका आपको बताते हैं कि जैसे हम लोगों के सामने सबसे पहले देखिए एम है, उसके बाद आई है, उसके बाद एन है, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों डी, तो इसको देखिए किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर लिखा है के, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, उसके बाद एल और बी। उसी प्रकार से देखिए आगे और भी कोड दिया दोस्तों, ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने जी ए, अच्छा इसके बाद लिखा है दोस्तों आर, तो यहाँ पर कर लीजिए ए है, आर है, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने जी, उसके बाद यू, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई दिया गया है। तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है वाई पी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने एस और सी। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद ए, उसके बाद जी, उसके बाद हम लोगों के सामने आर ए, और क्या है दोस्तों एम है, तो इसका पूछा जा रहा है। ये देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना क्या लिखा है कि एम से यदि के पर लिखा है, आई से जी पे, एन से एल पे, डी से बी पे, सब में देखिए कुछ ना कुछ लेटर या तो वृद्धि किया होगा या तो कमी किया होगा। तो अब यहाँ पर पहले आप इसको सब में चिन्ह लगा लीजिए दोस्तों, उसके बाद आप करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे कि एम से यदि के पे आ रहे हैं तो देखिए कितना लेटर उसने कमी किया है, तो यहाँ पर दो लेटर उसने क्या कर दिया दोस्तों, कमी कर दिया। उसी प्रकार से आई से जी पे दो लेटर का कमी, एन से एल पे दो लेटर का कमी, डी से बी पे आ रहे हैं तो दो लेटर का कमी, सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों, ए बी सी डी में देखिए एम से यदि के पे आ रहे हैं तो दो लेटर का कमी, उसी प्रकार से ए में दो लेटर कर देंगे तो ए में जैसे ही घटाएंगे दोस्तों हम लोगों का जेड, और जेड में घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से R से P दो लेटर, इसमें भी दो लेटर, इसमें भी दो लेटर, और इसमें भी दो लेटर, सब में क्या करना है दोस्तों, दो दो लेटर क्या कर देना है, कमी कर देना है। तो आप कर दीजिए सब में आपको क्या करना है दोस्तों, दो दो लेटर कमी कर देना है। तो यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि सब में क्या करना है, दो दो लेटर आपको क्या करना है दोस्तों, कमी कर देना है। तो देखिए जैसे ही कमी कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डी में जैसे ही देखिए दो लेटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आई में जैसे ही दो लेटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने जी हो जाएगा, ए में जैसे ही दो लेटर घटाएंगे तो हम लोगों के सामने वाई हो जाएगा, जी में जैसे ही दो लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसी प्रकार से आर लिखा है दोस्तों, तो आर में जैसे ही हम लोग दो लेटर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, पी हो जाएगा। उसी प्रकार से ए में दो लेटर घटा देंगे तो वाई हो जाएगा, और एम में दो लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने नवा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, भिन्न का मतलब चार में से तीन समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, गुजरात हो गया, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया,
तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी समुद्र यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, समुद्र तट वाला राज है। यानी यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी समुद्र तट, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्र तट वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य। ये सभी हम लोगों का समुद्र तट वाला राज्य है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर बिहार अलग हो जाएगा, क्योंकि बिहार हम लोगों का समुद्र तट वाला राज्य नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए गुजरात हो गया, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो ये सभी समुद्र तट वाला राज्य है, लेकिन बिहार हम लोगों का कोई समुद्र तट वाला राज्य नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से कह रहा है कि सभी कुर्सियां क्या है दोस्तों, घर है और कुछ जूते घर है। यानी सभी कुर्सियां, यहां पर कर लेते हैं दोस्तों सभी हम लोगों के सामने, जैसे जैसे कह रहा है कि कुर्सियां, तो सबसे पहले यहां पर कर लेते हैं कि सभी कुर्सियां क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, सभी कुर्सियां क्या है दोस्तों, घर है। उसी प्रकार से फिर सभी घर हम लोगों के सामने क्या करा दोस्तों, कि सभी कुर्सियां घर है, ठीक है, कर दिए सभी कुर्सियां क्या है दोस्तों, घर है। उसी प्रकार से करा कि कुछ जूते घर है, यानी कुछ जूते इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों, कुछ हम लोगों का क्या हो जाएगा, जूते क्या बोल रहे हैं कि घर है, तो इसका हिस्सा में से इस तरीके से थोड़ा सा चला जाएगा, कुछ बोला है। तो अब यहाँ पर निष्कर्ष देखिए क्या करा हम लोगों के सामने, कह रहा है कि कुछ कुर्सियां जूते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि हम लोगों का क्या लिखा है कि कुछ कुर्सियां जूते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कुछ कुर्सियां जूते, तो हम लोगों के सामने इस तरीके से तो नहीं हो पा रहा है कि कुछ कुर्सियां, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए कुछ कुर्सियां हम लोगों का क्या दोस्तों, जूते। तो यहाँ पर देखिए सभी कुर्सियां घर है, तो बना लिए कि सभी कुर्सियां घर है, उसके बाद कुछ जूते जो है घर है, तो ये बना लिया। अब कह रहा है कि कुछ कुर्सियां जूते हैं, तो कुछ कुर्सियां क्या यहाँ पर जूते हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसमें तो हम लोगों के सामने नहीं हो पा रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों कि निष्कर्ष इसमें कह रहा है कि कुछ जूते कुर्सियां हैं, क्या कह रहा है दोस्तों कि कुछ जूते कुर्सियां हैं, अच्छा कुछ कुर्सियां जूते हैं, तो कुछ कुर्सियां जो है जूते में तो नहीं है। फिर कह रहा है कि कुछ जूते कुर्सियां हैं, तो इसमें भी नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से करेंगे तो फिर नहीं। तो इसका और तरीके से देखिए, एक डायग्राम इस तरीके से हो सकता है, अब इसका दूसरा डायग्राम भी बनाना होगा दोस्तों, तब आप इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो गलती कर देंगे। तो देखिये जैसे दिया गया दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देखिए आपको बताते हैं, या तो आप ऐसे चल सकते हैं, नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए सभी कुर्सियां क्या दोस्तों, दूसरा डायग्राम बना देते हैं, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम तो ऐसे बना सकते थे, ये देखिए अभी आप सिंपल समझने का प्रयास कीजिए, सभी कुर्सियां यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी कुर्सियां हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। तो इस तरीके से बना लिए सभी कुर्सियां घर हो गया। उसी प्रकार से घर को थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, नहीं तो आप फिर कंफ्यूजन कर जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी कुर्सियां क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ घर क्या है दोस्तों, जूते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ घर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, जूते हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, दूसरा भी डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। ये देखिए यहाँ पर कर देंगे दोस्तों सभी कुर्सियां, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी कुर्सियां हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि सभी कुर्सियां हम लोगों का घर है, तो कुर्सी का सारा हिस्सा किस में ले जाएंगे दोस्तों, घर में ले जाएंगे। तो इस तरीके से सबको क्या ले जाएंगे दोस्तों, घर में ले जाएंगे। और फिर कुछ घर हम लोगों का क्या है दोस्तों, जूते हैं, तो देखिए कुछ घर, तो यानी यहां से ले जाकर इस तरीके से कर देंगे, कुछ घर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, जूते हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए दो डायग्राम से चलना होगा, तभी इस प्रश्न का आंसर करेंगे, और कहीं भी सही होगा तो यानी कि यहाँ पर देखिए हम लोग अब इसको देखिए दो डायग्राम बना लिया। अब देखिए इसमें चलते हैं कि पहला वाला चलेंगे तो हम लोगों का दोनों गलत होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग ये वाला पहला डायग्राम बनाए दोस्तों, ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम, देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिया उलझा के। अब बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही कहेगा सर क्वेश्चन ही गलत है, हम क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए दो डायग्राम से चलना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहला वाला डायग्राम से चलेंगे तो दोनों निष्कर्ष हम लोगों का गलत होगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए अब हम लोगों के सामने कह रहा है कि इससे चलेंगे दोस्तों, तो कह रहा है कि कुछ कुर्सियां जूते हैं, तो कुछ कुर्सियां जूते बिल्कुल सही कह रहा है, पहला सही हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ हम लोगों का जूते कुर्सियां, इससे सही हो जाएगा दूसरा वाला डायग्राम से, दोनों सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। और जो एजेंसी कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी दिया, और डी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। हम किससे चले, तो दूसरा वाला डायग्राम से चले। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए
पी का अर्थ हम लोगों के सामने भागा लिखा, यानी कहीं जहां कहीं पी दिखेगा तो वहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। उसी प्रकार से जहां पर क्यू दिखेगा वहां पर गुणा कर देंगे, आर जहां दिखेगा वहां पर प्लस कर देंगे, जहां एस दिखेगा वहां पर माइनस कर देंगे। तो बैठा दीजिए इसमें, अब कहानी क्या करना है, जहां दिख रहा है वैसे कर दीजिए। जैसे 18 तो 18, उसके बाद क्यू तो क्यू के जगह गुणा, उसके बाद 12 का 12, उसके बाद पी तो पी के जगह भागा लेने के लिए कहा है तो उसके बाद 4, आर के जगह हम लोगों के सामने प्लस, उसके बाद 5 और एस के जगह हम लोगों के सामने माइनस कहा है, और 6 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए अब सॉल्व कर देते हैं आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले काम होगा भाग का, यानी कि यहाँ पर 18 गुना 12 में 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस, इधर 5 हो जाएगा, माइनस क्या दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए एक स्टेप में आ जाएगा, तो 18 क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 54 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 59, और 59 में जैसे ही 6 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं, 54 में 5 जोड़ देना है तो 59 में 6 घटा देंगे 53 हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन करा कि अंग्रेजी शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, प्रचलित है आप जानते हैं कि शब्दकोश को हिंदी और इंग्लिश के डिक्शनरी में आने वाले चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। यहाँ पर चौथा पूछा जा रहा है, यानी पहला दूसरा तीसरा नहीं, चौथे स्थान पर कौन आएगा। तो कैसे करते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, आप जानते हैं कि डिक्शनरी में पहले ए वाला वर्ड रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से कहाँ तक रखते हैं दोस्तों जेड तक रखते हैं। तो बस यही काम करना है कि देखिए इनमें से सबसे पहले क्या रहा है। तो कॉमन क्या है दोस्तों, ये एफ 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 सब में कॉमन है, तो एफ के बाद चेक कीजिए कौन एबीसीडी में पहले आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए कि एफ के बाद इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें ओ, ओ तो बहुत दूर आ गया, तो ए वाला पहले देखते हैं। यानी ए के बाद देखिए इसमें एल आया, इसमें भी एल आया, तो यहाँ पर डबल एल आ जा रहा है, डबल एल के बाद आई आ गया और यहाँ पर एस आ गया, तो पहले स्थान पर यही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एल के बाद इसमें एस चला गया और यहाँ पर एल के बाद हम लोगों का आई हो गया, पहला ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर हो जाएगा। और तीसरा में देखिए, अब तीसरा में जैसे अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो एफ ओ उसके बाद एफ ओ, ओ के बाद इसमें ए आया, इसमें एल आया, तो ई हो जाएगा हम लोगों का तीसरा और ई हो जाएगा दोस्तों चौथा। क्यों? क्योंकि देखिए एफ के बाद अगर देखा जाए दोस्तों, वहां पर वही देख रहे हैं, एफ के बाद ओ आ रहा है, उसमें भी ओ, ओ के बाद देख रहे हैं उसमें एल आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसीलिए हम लोगों का डी वाला होगा तीसरा और ओ यानी एल आ रहा है तो चल जाएगा चौथा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आए, बस तरीका को समझ लेना है कि पहले क्या होता है, जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, जैसे एफ एफ सब में है तो उसके बाद हटा दीजिए, उसके बाद चेक करना, जैसे एफ के बाद इस ए और सी में देखिए ए आ रहा था, तो ए के बाद चेक कर रहे हैं एल आ रहा है, इसमें भी डबल एल, तो और आगे चेक किए तो उसमें एस आया, इसमें आई आया, तो पहले आई आएगा उसके बाद हम लोगों का उधर जाएगा। तो इस तरीके से कर दें क्योंकि क्रम से रखना होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यही 4 स्थान पर आएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि देखिए मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कथन और पूर्वानुमान दिया दोस्तों, यानी मिलन अपने टीम से कह रहा है कि एक साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूँ, इस तरीके से दिया है। अब देखिए मिलन के टीम के साथी के पास बाइक है, बिल्कुल पूर्वानुमान सही होगा। क्यों? क्योंकि बाइक है तभी तो बोल रहा है कि शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं। अगर आपके पास है नहीं तो फिर हम किससे उधार लेंगे, यानी उसके साथी के पास बाइक है, ये बात क्लियर हो चुका, पूर्व अनुमान निकल जाएगा। फिर कह रहा है मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है, बिल्कुल ये भी सही होगा, क्योंकि वही तो बोला है कि अपने साथी से कहा कि क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक ले सकता हूं, यानी शाम को क्या दोस्तों उसको आवश्यक है, तो पूर्व अनुमान दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों क्या है दोस्तों निहित है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी वाला सही होगा, बी में एक और दो दोनों निहित है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसके दीपक उत्तर दिशा की ओर, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि पूर्व हम लोगों के सामने इस साइड लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। ये बात हमेशा आपको फिक्स रखना है कि पूरा पश्चिम उत्तर किधर होता है, इधर पूरा हो गया, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब चल देते हैं, देखिए दीपक उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक चल दिए दोस्तों एक अनुमानिक दूरी हम लोगों का 40 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक एक अनुमानिक दूरी ले लिए 40 किलोमीटर चला।
उसके बाद फिर दाई ओर मुड़ा, तो दाई ओर मुड़ा यानी कि ई साइड मुड़ गया, और कितना चला दोस्तों हम लोगों के सामने 50 मीटर चला है, तो 50 चल दिए। उसके बाद पुनः फिर दाई ओर मुड़ा, तो फिर दाई ओर मुड़ा और 40 चला, ठीक है। तो कह रहा है मूल स्थान से वह कितनी दूर है, यानी मूल स्थान यानी यहाँ से स्टार्ट किया था तो इस जगह से यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा दोस्तों, ऊपर 50 है तो नीचे भी 50 होगा, यानी 50 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वही कह रहा है कि मूल स्थान से कितना दूर है, तो मूल स्थान से कितना दूर हो जाएगा दोस्तों, 50 मीटर हो जाएगा। अरे स्टार्टिंग यहीं से किया ना, ये जो बिंदा देख रहे हैं, तो वहां से यहां तक का ये दूरी कितना हो जाएगा, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं रेड कलर का, 50 हो जाएगा। बात को काहीं नहीं समझ रहे हैं, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, ये देखिए कह रहा है कि लड़कियों के एक पंक्ति में, क्या कर रहा है दोस्तों, लड़कियों के एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तो तब कह रहा है कि दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो अब देखिए यहां पर देखते ही पसीना हट करेगा कि इतना बड़ा हम कैसे करेंगे रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था वाला, तो यहां पर आपको घबराना नहीं है, तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि लड़कियों के एक पंक्ति में हम लोगों का दिव्या क्या कर रहा है दोस्तों कि बाएं से 18वां है, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इधर आपको दायां लेना है और इस साइड में क्या लेना है दोस्तों, बायां लेना है, ये बात आपको हमेशा याद रखना। तो बाएं से 18वां है, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों इस तरीके से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पर हम लोगों का 18 हो गया, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से समझाने के लिए इतना किए। उसके बाद हम लोगों का नम्रता हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि 18 इस तरीके से है, तो टोटल और कर रहा है कि स्थान पर है, तो और नम्रता जो है दाएं से क्या है दोस्तों हम लोगों का 12वें स्थान पर है, यानी कि अब क्या कर रहा है दोस्तों कि नम्रता जो है दाएं से 12वें स्थान पर ले लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि इस जगह पर है, यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे है तो कह रहा है कि हम लोगों का यानी कि यहाँ था हम लोगों का, अब इधर से आ रहे हैं, यानी कि इधर से कौन है दोस्तों हम लोगों का, तो ई साइड से हम लोगों का नम्रता, इस जगह पे से क्या है दोस्तों नम्रता, हाँ नम्रता, और इधर से हम लोगों का क्या था दोस्तों दिव्या था, ई साइड से हम लोगों का क्या था यानी कि यहाँ तक जो गए थे, देखिए यहाँ से जो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का गए हैं तो यहाँ पर क्या है दिव्या है, यानी कि यहाँ पर कर लीजिए ये दिव्या है और ये नम्रता, तो कह रहा है कि 7 स्थान फिर अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि नम्रता 5 स्थान हम लोगों का दाई ओर चलता है, तो 5 स्थान चल देंगे, यानी कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर हम लोगों का नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिंपली आप इस तरीके से चल दीजिए, कैसे दोस्तों यानी कि यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं। देखिए हम लोगों का लड़कियों के एक पंक्ति में क्या दोस्तों दिव्या बाएं से क्या 18वें स्थान पर है, तो ठीक है यानी दिव्या का स्थान तो दे दिया है, तो यहाँ पर सिंपली आप लिख लीजिए कि दिव्या का स्थान दिया है। देखिए तरीका आपको सबसे शॉर्ट बता देते हैं, वो तरीका हटा दीजिए, दिव्या यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 18वें स्थान पर, ठीक है। और नम्रता जो है दाएं से क्या है दोस्तों 12वें स्थान पर है, और नम्रता 5 स्थान फिर दाएं पर स्थापित हो जाए, तो देखिए नम्रता बाएं था ही यानी 12वें पे था और 5 स्थान, तो देखिए नम्रता का स्थिति क्या हो जाएगा इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने नम्रता हो जाएगा, तो नम्रता का क्या हो जाएगा यानी कहने का मतलब ये देखिए 12 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, क्योंकि 5 स्थान वो नीचे गया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, तो 12 में से यानी 5 स्थान वो कह रहा है कि प्रतिस्थापित किया, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो 12 में जैसे ही 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, तो ठीक है यानी यहाँ पर क्या कर लिए दोस्तों 7 कर लिए। तो अब वही पूछा जा रहा है कि हम लोगों के सामने निकल गया यानी नम्रता की स्थिति निकल गया, तो पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, तो पंक्ति में अगर देखा जाए दोस्तों कि यहां पर टोटल कितना लड़कियां हैं तो डायरेक्ट निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, जैसे हम लोगों के सामने ये सिंपली आप कर लीजिए, जो दिव्या दिया गया है तो दिव्या का स्थान हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कितना दिया है, तो दिव्या का स्थान हम लोगों के सामने है सर यानी कि 18वें स्थान पर है, तो इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं, हम लोगों के सामने है दोस्तों एक नम्रता, तो यहाँ पर कर लीजिए नम्रता, तो देखिए नम्रता का स्थान कर रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने 12वें स्थान पर है, यदि नम्रता
पांच स्थान दाएं प्रतिस्थापित हो जा रहा है, तो यानी 12 में से 5 हम लोगों के सामने क्या हो जा रहा है दोस्तों, यानी वो घट जा रहा है। तो हम लोगों के सामने यानी 5 स्थान घट जा रहा है, तो नम्रता का स्थिति हम लोगों के सामने इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि नम्रता का हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सिंपली आप क्या कर लेंगे यहाँ पर कि 12 माइनस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि बचेगा वो क्योंकि 5 स्थान पर प्रतिस्थापित किया, तो 12 में से 7 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, तो निकल गया। तो हम लोगों के सामने कुल पूछा जा रहा है, तो कुल हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 18 प्लस वो क्या हो जाएगा 5, यानी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और हर ग्रुप में शेयर कर देंगे, हर कोई वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।